वो यार गलत डिसीजन करिए ना पीसीबी ने, उनको देखा शोएब अख्तर को वो बना देते हैं। इतने क्राइम रिपोर्टर आप लाए, आप हमारे शम्स ताहिर खान को क्यों नहीं लेके आए? क्यों? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। बड़ा ऐसे नहीं, जय बोलो ऑडियंस को, जय बोलो ऑडियंस को, जय करो। और मैं हूँ शुभम दोस्तों। और इससे पहले कि तुम कमेंट लिखने लग जाओ कि इतनी ठंड कहाँ है, कहाँ पे भाई, कहाँ बैठे हो यार, नोएडा में कब से ठंड पड़ने लगी, दिल्ली में। तो एक दोस्तों एक मशीन बनी थी कुछ सालों पहले जिसे एयर कंडीशनर कहा जाता है, और उसमें कई बार टेम्परेचर 16 भी कर दिया जाता है। और भाई बाकी हमारी मर्जी है नहीं, और 16 में हो सकता है कि आप बहुत कंफर्टेबल हो, किन्नी दो की तो कहानी फट सकती है ना। हम वो दो लोग हैं तो हम उसके हिसाब के कपड़े पहन लेते हैं फिर। हाँ भाई, हमें तो एसी यहाँ मिल रहा ना, हमारे घर में तो हाथ वाला पंखा है। और यार जब तक हाथ नहीं थकता तो तक करते रहते हैं, करते रहते हैं, हाथ थक जाता है तो फिर सो जाते हैं। हाथ को भी तो आराम देना होता है, हाथ को सिर्फ पंखा ही थोड़ी लाना है। और ऐसे ही सही जगह में इन्वेस्ट और जो जनता कर रही है, तो वो है दोस्तों वो सारे लोग जिनका नाम आया पंडोरा पेपर्स में। नए नए पेपर निकल के आ जाते हैं, पहले कौन से निकले थे? पनामा। कोई से भी हो, बिग बी का है कि इफ पेपर्स आर देयर मेरे को मेरा नाम मांग सर। मेरे भी तो पेपर डाल देना, तो कहीं अगर पेपर डल रहे हैं, मेरे पास बहुत पैसा है, दो मेरे नाम के भी डाल दे रहे हैं। ये कैसा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं आप, सब कुछ व्हाइट में कर दिया है आपने, कुछ ब्लैक करो थोड़ा बहुत। तो आई थिंक उनका भी आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर का है, अपने ड्राइवर को क्या कह रहे हैं, सोच समझ के म्यूचुअल फंड में पैसे लगा, ऐसे नहीं सोच के लगाइयो। और मैंने घटिया मिमिक्री नहीं किया, सचिन इतनी डिजर्व करता है अगर ब्लैक मनी रख रहा है तो फिर। और ये पता है इतना बड़ा ये स्कैंडल, इतना टैक्स चोरी है कि जो मोदी जी बोलते हैं ना कि आ जाएंगे 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो इससे बन जाएगी, 3 बार बना देंगे, इतने पैसे हैं, इतने पैसों का वो है। और संबित पात्र ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि मोदी जी देश के सबसे ज्यादा गाली खाने वाले प्रधानमंत्री हैं, मतलब वो ऐसा उनके डिफेंस में बोल रहा था। आप गाली भी देते हैं प्रधानमंत्री को, इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी। किसी और प्रधानमंत्री को इतनी गालियां नहीं पड़ी होंगी जितना इस व्यक्ति को पड़ती हैं। ये क्या तरीका है? सच में वो उनको डिफेंस करने के लिए ये बोल रहा है, ये क्या तरीका भाई। जबकि देखा जाए तो भाई ऐसा आप बता रहे हो कि उनको कितनी ज्यादा गालियां पड़ रही है, मतलब ऐसा आप तो मत बोलो ना। जो दे रहे हैं उनको बताने दो कि हमने बहुत दी है इस व्यक्ति को, मतलब ये कैसा डिफेंस है। रमीज राजा की हम और एक बात करना चाहेंगे दोस्तों, जिन्हें नहीं पता है वो एक्स क्रिकेटर, एक्स कमेंटेटर और अभी पीसीबी के चीफ बन गए। और दोस्तों जब से वो आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में और बड़ी पनौती शुरू हो चुकी है, दौरे पे दौरे रद हो रहे हैं। और वो ये गलत डिसीजन कर लिया ना पीसीबी ने, उनको देखा शोएब अख्तर को वो बना देते हैं। अगर एक दफा पीसीबी उनका आ जाए, शोएब अख्तर वो जैसे बाकी बंदे यूट्यूब चैनल क्यों खोलते हैं, सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, डायमंड बटन, शोएब अख्तर ने यूट्यूब चैनल खोला है इसलिए कि भाई ये मेरा वो है ऑडिशन है पीसीबी के लिए कि मुझे सीधा पीसीबी के प्रेसिडेंट बनाओ, नहीं बन, या तो मैं उन्हें गालियां दूंगा या उनका प्रेसिडेंट बनूंगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है मेरे लिए। अब चल रहा है रमीज राजा ने लेकिन बोला है कि एक इन्वेस्टर ने, उन्होंने नाम नहीं बताया इन्वेस्टर का, एक इन्वेस्टर ने उनसे कहा है कि मैं ब्लैंक चेक दूंगा पीसीबी को अगर पाकिस्तान इंडिया को वर्ल्ड T20 में हरा देता है। मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन है, ब्लैंक चेक। और लोग उसकी फोटो लगा रहे हैं जो अक्षय कुमार फिर हेरा फेरी में स्कीम नहीं बेचते राजपाल यादव को, इन्वेस्टर तेरे को ये। और मैंने सुना है कि पाकिस्तान ने अपनी जर्सी पे अच्छा UAE वर्ल्ड कप लिख दिया है, UAE वर्ल्ड कप, अच्छा जबकि है इंडिया, तो उनकी मर्जी थोड़ी चलेगी, मर्जी तो ICC की चलेगी। फोन जाएगा तो इनके कपड़े उतरवा, नहीं फोन वन क्या, वो टॉस नहीं, टॉस पे नहीं आने दिया जाएगा, उन्हें भगा दिया जाएगा वहां से, काम क्यों करते हैं ऐसे। टॉस ही तो उनका मकसद होता है, सिक्का मिल जाता है उन्हें, सिक्का। ये दोस्तों मजाक से हट के बाद सिक्का हमेशा वो लेके जाते हैं क्योंकि मैच विनिंग अमाउंट तो ऐसा कभी उनको मिला नहीं है। 80 करोड़ लोग हैं जो वो खा रहे हैं मोदी जी का राशन, बहुत गरीब, पर 4-5 अपने फिर ऐसे भी तो हैं कि दुनिया को इधर बैठा के रखते हैं, लिस्ट में आते हैं, लिस्ट में आते हैं भाई, जो बोलते हैं वो हो जाता है रातों रात। उनका क्या है, वो सारे एक से हैं कि क्या बोले, मुझे लगता है कि वो जैसे ही एक टैक्स ब्रैकेट में आ जाते हैं फिर कट लेते हैं। इनफ ऑफ पाकिस्तान जोक्स, आते हैं कि हमने क्या शो देखा इस हफ्ते, किसकी बात हम करने जा रहे हैं। हमने नेटफ्लिक्स पे देखा हाउस ऑफ हॉरर्स द बुराड़ी केस, हाउस ऑफ सीक्रेट्स, नाम से ही लग रहा है कि वो है ये पब बार का नाम है सीपी में, वहाँ ऐसे तो होते सारे। एक फिल्म का नाम उठाएंगे और एक शो का नाम उठाएंगे, अब उसमें एक ट्राई करते हैं इसमें दारू कैसे घुसेड़ी जाए। फिल्म है पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, उसका क्या बना दिया, पायरेट्स ऑफ ग्रिल्स। फिल्म और शो का नाम उठा गया, अब इसमें मैं दारू या चिकन घुसाना है उन्हें कुछ भी करके, हो गया। कैसे बैठ के सोचता होगा ना एक आदमी, हाँ जिसने 70-80 करोड़ है उसके, ओ भाई प्रॉपर्टी तो ऐसी बहुत, प्रॉपर्टी का काम हमने बहुत किया। पाजी पब खोल ले। हाँ तो नाम दसवीरे, नाम किधर रखा पाजी, थोड़ा टैकी होना चाहिए था, होना चाहिए था वीरे, पाजी थोड़ा ट्रेंडी होना चाहिए था, होना चाहिए था वीरे, पाजी थोड़ा फिल्मी भी होना चाहिए था, होना चाहिए था वीरे, होना चाहिए था। पाजी केड़ा शो चल रहा है आज,
ओ मेरे आजकल तो वो शो चल रहा है स्क्विड गेम। तो पाजी ऐसी लिक्विड गेम रख ले केड़ा लगेगा लिक्विड गेम पाजी। ओ पाजी पाजी सुन लो पैन इतना ही डिस्कशन उनका चलता होगा एक शो का अगले दिन बैनर बनना शुरू अगले दिन बैनर बनना शुरू जगह होगा तो ले ही लेंगे। मनी हाइस्ट है मनी हाइस्ट क्या कर सकते हैं वो हनी हाइस्ट है। और कौन सा है पॉपुलर शो बताओ बताओ ऐसे ही बता दे। ब्रेकिंग बैड ब्रेकिंग ब्रेड ब्रेकिंग ब्रेड पीकी ब्लाइंडर्स पीकी ग्राइंडर्स ये स्पेशलाइजेस इन चटनीज एंड सॉसेस पीकी ग्राइंडर्स। House of Secrets on Netflix 3 episode की सीरीज है डॉक्यूमेंट्री सीरीज है और हमारे रियल लाइफ इंसिडेंट हमारे बीच दोस्तों दरार आ चुकी है। पहली बार हमारे ओपिनियंस जो है वो विभाजित है विचारों का मतभेद दोस्तों इस पार्टी में भी आ चुका है इस पार्टी में भी आ चुका है। लेकिन सत्य क्या होता है सत्य विचलित नहीं होता नहीं मेरा अपने सत्य के साथ हूँ ये अपने सत्य विचलित हो सकता है पर झुकता नहीं है। और ऑनेस्ट रिव्यू में दोस्तों पूरी डेमोक्रेसी है राजेश अपनी को अपनी बात कहने का हक है और मुझे अपनी बात कहने। आपको कैसा लगा फर्स्ट वर्ड आपका क्या है मैं अपना बताऊंगा। मतलब मेरे को लगा कि मैं न्यूज की ही कोई वो देख रहा हूँ जैसे प्रधानमंत्री वगैरह नहीं बनाते थे एबीपी वाले। अच्छा ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट्री बहुत बेसिक मतलब मतलब मुझे ऐसा डॉक्यूमेंट्री वाला फील नहीं आया इतना ज्यादा। अच्छा मुझे तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा मतलब अच्छा इन द सेंस कि उस शो ने अगर मेरे को अनइजी फील करा दिया और अभी तक वो विजुअल्स मेरे सामने घूम रहे हैं मतलब उन विजुअल्स को बुलाने के लिए मैंने क्रिकेट हाईलाइट से लेके पॉन तक सब कुछ देख लिया बट अभी भी सामने विजुअल मेरे वही आ रहे हैं तो मुझे लगता है शो सक्सेसफुल हुआ अपना जो वो देना चाहते थे और मुझे ट्रीटमेंट वाइज सब कुछ अच्छा लगा। अब बात करते हैं दोस्तों उन लोगों की जो इस 3 episode एक डॉक्यू सीरीज में आते हैं कैरेक्टर्स हैं रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं वो। तो एक तो वो फैमिली है मतलब उनकी तो बातें हो रही हैं वो आ तो पाते नहीं क्योंकि उनकी डेथ की स्टोरी है ये। उसके अलावा बहुत सारे लोग जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है पुलिस वाले हैं स्पेशल क्राइम ब्रांच के हैं फॉरेंसिक वाले हैं आस पड़ोसी हैं उनके फ्रेंड्स हैं रिश्तेदार दोस्त हैं और 4-5 लोग ऐसे हैं दोस्तों मुझे उनका गेटअप देख के लगा कि वो अपने प्रोफेशन को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब 3-4 लोग थे जो जिनके भारी भरकम प्रोफेशन थे साइकियाट्रिस्ट उसके आगे पीछे दो वर्ड लगे हुए हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और फिर उसमें कुछ एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम इतना तो मतलब था 4-5 वर्ड का था और जैसा उनका गेटअप है गेटअप और पीछे का बैकग्राउंड मतलब इस सब सेटिंग के साथ अगर वो होते कि सेल्स हेड एट फ्लिपकार्ट तो मैं नहीं मानता कि नहीं प्लीज यार ये फेक डॉक्यूमेंट्री। हाँ ये एक फेक डॉक्यूमेंट्री मतलब वो वाले घर है उनके दोस्तों जहाँ सिर्फ लैंपों की रोशनी होती है CFL LED तो है लैंप तो दीवार की तरफ मुंह करके होते हैं। हाँ मतलब यहाँ एक पैटर्न सा बनता रहे लाइट का जीते हैं वो ऐसी लाइटिंग में तो मतलब हमारे के ट्यूबलाइट होती है हमारे सर पे पड़े ट्यूबलाइट CFL LED दीवारों पे पड़ी होती है। हाँ इस तरफ को अंधेरे अंधेरे वाले घर नहीं होते अमीरों के जो पता ही नहीं चलता कितनी अमीरी है दिन में जाओ तो कर्टन डले रहते हैं और रात में जाओ तो लैंपे जली रहती है। तो वो लैंप वाले घरों के कई सारे लोग हैं इसमें बरखा दत्त हैं एज ए जर्नलिस्ट हैं वो इसमें मुकेश सेंगर हैं ये बहुत सारे क्राइम जर्नलिस्ट हैं। दिल्ली के बुराड़ी एरिया में 2018 में एक मास सुसाइड हुआ था। हाँ मास सुसाइड और काफी चर्चाओं में रहा था हम लोग को भी याद है। मैं दोस्तों स्मॉल ट्रिविया मैं तो उससे विदिन 500 मीटर रेडियस में था उस टाइम मैं भी इसके घर जाते हुए उस गली को देख चुका था मैं। भाई जब मेरे को बताया ना लकी था मेरे उसने बोला भैया कोई लकी दिखा रहा था मैं ले जा लेके मतलब मैंने न्यूज में देख लिया मेरा मन नहीं है वहां जाने का मैं मन को मना रहा हूँ कि मैं तो बहुत दूर हूँ वहां से बहुत दूर। अरे आओ भैया देख के आते हैं बिठा के भाई वहां से दौड़ा रहा है हमें। और जब मैं उसने बताया ना कि ये वाली गली है सच में जो ऐसे कंपन नहीं होता शरीर में वो फील किया था मैंने। एक दिन सुबह सुबह पता चलता है कि फैमिली के 11 लोग ने सुसाइड कर लिया मतलब वो उनको फांसी पे लटके हुए मिले हैं वो अब सुसाइड है कि मर्डर है इसी की इन्वेस्टिगेशन होती है। तो उससे जुड़े हुए जितने भी एस्पेक्ट हैं सबको इस डॉक्यू सीरीज में दिखाने की कोशिश की गई है उनके पड़ोसियों की उनके बारे में क्या ओपिनियन है उनके फ्रेंड्स उनके रिलेटिव्स कैसे थे वो पहले से कैसे दिल्ली रहने आए फिर कैसे उन्होंने पैसे क्या कमाए बिलीव्स थे उनके क्या बिलीव्स थे और मीडिया वाले भी दिखाए क्या नौटंकियां करी थी उन्होंने मतलब मीडिया का एक स्टूपिडिटी हम यहाँ मेंशन करनी चाहेंगे इस केस से जुड़ी हुई कि एक ठेकेदार है जिसने उनका घर बनाया है अब उन्होंने कुछ पाइप्स लगवाए अपने घर में जो उन्होंने सुपरस्टिशन की वजह से लगवाए तो उस ठेकेदार की बेटी को मीडिया ने पोर्ट्रेट किया था गीता माता की तरह। हाँ कि ये इन्होंने ही इनको ब्रेन वॉश किया है जादू टोने में फंसाया है गीता माता बना दिया ठेकेदार की बेटी को और उसको फिर यहाँ डॉक्यू सीरीज में उसका इंटरव्यू लिया गया वो कह रही बस मैंने लाल साड़ी पहनने की थी तो इसलिए मुझे माता बना दिया इन्होंने यार बताओ पूरा वो घर का सेटअप लगा रखा है क्रोमा पे पीछे फंदे लटका रखे मतलब वो इतना इनसेंसिटिव भी रहा है और इतना इलॉजिकल भी रहा है और उसको नेशनल टेलीविजन पे दबा के चलाया। अब कहानी तो इसकी केस की जो थी वो तो पब्लिक डोमेन में है ही सबको पता ही है ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है बट
शो को जिस तरीके से बनाया गया है, तो उन्होंने इस चीज़ पे कमेंट्री करने की कोशिश की है कि कैसे जो इंडियन फैमिली का नैरेटिव है वो कितना, मतलब एक तरह से ये बहुत चीज़ वो बताई जाती है ना कि परिवार की बात परिवार में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जाए, बाहर मत करना। क्योंकि इस केस में काफ़ी हद तक यही हुआ था कि अगर मान लो एक बंदा ये सारी क्रियाएँ कर रहा है, बाकी लोगों से करवा रहा है, तो साथ ही साथ उसने ये शपथ वगैरह भी दिला रखी है कि बाहर मत बताना, बाहर मत बताना। जो बंदा ये सब कर रहा है वो अल्टीमेटली हो उसके साथ इसलिए रहा है क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उसके साथ पास्ट में कुछ गलत चीज़ें होती आई हैं जहाँ से वो ऐसा बन के बाहर निकला है। तो उनको अगेन उस चीज़ पे भी कमेंट्री करने की कोशिश की गई है कि कैसे अभी भी इंडिया में मेंटल हेल्थ को हल्के में लिया जाता है, प्लस अनअफोर्डेबल भी है ना, कहीं ना कहीं एक्सेसिबल नहीं है। आपको जुकाम हो जाए तो आप मेडिकल स्टोर से दवाई लेके खा सकते हो, बट आपको गलत थॉट्स आ रहे हैं तो पता ही नहीं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों शो की, क्या क्या हमें अच्छा लगा क्या नहीं लगा, और आज तो क्लियर है, मैं बताऊंगा क्या क्या अच्छा है और मेरे साथ ही राजेश हमें बताएंगे कि उन्हें क्या क्या अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो रिव्यूअर बनते जा रहे हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने क्या किया, बहुत विजुअली बहुत स्मार्टली चीज़ें रिक्रिएट करने की कोशिश की, ठीक है। और एक तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्री का 101, कभी भी आपको ऐसे कैमरे में देख के बात नहीं करनी है, जो बंदा भी बात कर रहा है उसका इधर से एक क्लोजअप लगेगा और वो सामने देख के बात कर रहा है, और तो अपने आप में शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का लगने लग जाता है। ऐसे हम बात करें फिर तो ऑनेस्ट रिव्यू लगेगा, ऐसे बात करें तो ऑनेस्ट रिव्यू लगेगा, हाँ वहाँ तो देखता ही नहीं मैं, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे बात कर रहा हूँ और शूट यहाँ से हो रहा है, इट्स डॉक्यूमेंट्री। दूसरी चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो मतलब रियल लोगों को जैसे वो लेके आए, कहीं भी उन्होंने ओवर ड्रामेटिक नहीं दिखाया, मतलब अब किसी के फ्रेंड की डेथ हुई है इसमें, तो उन्होंने इस पर एम्फेसाइज नहीं किया कि उसके दुख को कहीं से हम थोड़ा वो पिटी इमोशन उन्होंने उससे विड्रॉ करने की कोशिश नहीं की कि ये बंदा दुखी हो रहा है तो इसको थोड़ा ओवर कर दें, बहुत उसको सटल रखा है, उस पे खेला नहीं है, उसको बेचा नहीं है, वो चीज़ मेरे को बहुत सही लगी। एक पुलिस वाले मुझे बहुत अच्छे लगे, जो थाना इंचार्ज थे ना वहाँ के, भाटिया साहब, आए साहब वो तो मतलब उन्होंने इतना खुशी खुशी सुनाया ना, ये पूरा स्टार्टिंग तो उन्होंने बहुत खुशी खुशी की थी, हाँ नहीं एंड तक मैं सुबह गया, मैं तो सोया ही था कि अभी मैं तो आ गया भाई आज मत उठाइयो, उन्होंने फोन करा चलो भाई चलो कितने 11 मतलब वही है मौत की बात है, इतना 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 खुश पुलिस वाला देख के भी ना एक्चुअली अच्छा ही लगता है वैसे, स्टार्टिंग में करी उन्होंने धीरे धीरे हुए सेटल, बट उनका कैरेक्टर वाइज मतलब वो मेरे को अच्छे लगे। ये सारी चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो अच्छी नहीं लगी बस मुझे एक ही लगी कि जब इतने क्राइम रिपोर्टर आप लाए, आप हमारे शम्स ताहिर खान को क्यों नहीं लेके आए क्यों। और एक बहुत क्यूट मोमेंट भी है दोस्तों इस पूरी स्टोरी का, जो मैंने तो नोटिस किया कि इस फैमिली में एक डॉग भी था, तो एक बंदे ने न्यूज़ पे देखा कि बार बार आ रहा था कि ये डॉग है और फैमिली में एक डॉग भी है, डॉग भी, तो वो गया और जाके वो डॉग को रेस्क्यू करके ले आया और उसने उसको अपने पास रखा, तो वो मुझे बड़ा ऐसा क्यूट और उसको इसमें दिखाया और उसको यहाँ पे जगह भी दी गई, हाँ ये भी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा कुछ नया नहीं है, कहानी मुझे पता है, मैं ऑलरेडी उसके बारे में जानता हूँ, हाँ। तो मैं उसको देखकर जो तू कह रहा तेरे अंदर सीरन पैदा हुई, हाँ, वो नहीं हुआ तेरे लिए अंदर गया, ठीक है। तो मैंने इस केस को उतना फॉलो नहीं किया था ऑनेस्टली, मतलब मुझे पता था कि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में हुआ है और ये सब है, बट उतना नहीं किया था, तो मेरे को तो अनइजीनेस रही, तेरे को नहीं। कंक्लूजन वाली एक चीज है दोस्तों इस शो के अंदर जो नई है, जो आई एम श्योर राजेश ने भी पूरा किया, नहीं नहीं वो जो एंगल इन्होंने दिखाया और वो, और एक चीज मैं इसकी तारीफ भी करना चाहूंगा, जो एंड में जो इमोशंस दिए ना डॉक्यूमेंट्री को, वो बहुत अच्छे, एंड में आके दुख होता है, लगता है कि बच्चों ने क्या ही देखा था, एज अ सोसाइटी हम लोग कितना पड़ोस में ये हो गया हमें पता ही नहीं चला। और ये एक वो भी चीज़ है कि बुराड़ी जो दिल्ली का एरिया है, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं दिल्ली के अंदर, बट फिल्में बनती हैं तो वो दिल्ली को बस पंजाबी सा दिखा देते हैं, राजौरी दिखा दिया, हाँ, या दिल्ली को बस ओल्ड दिल्ली के नाम पे दिखा दिया, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दिल्ली का, जहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट ओवर द पीरियड आके बसे हैं क्योंकि जगह अफोर्डेबल थी, यहाँ पे जमीनें खरीदी जा सकती थी, और इन क्षेत्रों का भी उतना विकास भी नहीं हुआ है, मतलब आज तक कुशा कपिला की वीडियो भी नहीं आई है, एवरी बुराड़ी का लेक सेंटर, ये तो है, उसने उत्तर पूरा दक्षिण सारे कर दिए दिल्ली के कोने कोने के, बुराड़ी एक्सेंट हमने आज तक नहीं सुना उसका। रेटिंग हमारी यही है कि बहुत छोटी सी सीरीज है, तो लाइक लिटरली 1.5x पे देखोगे तो 1.5 घंटे की है, हाँ छोटे छोटे 3 एपिसोड हैं, और ऐसी चीज है कि ऑलरेडी आप लोगों के सबकॉन्शियस में तो होगी, हाँ, क्योंकि और अनईजी का मतलब मैंने थोड़ा आपको ऐसा बता दिया, बट ऐसा भी नहीं होगा कि आपको डरवर नहीं लगेगा, अरे बकायदा नेटफ्लिक्स ने ना स्टार्टिंग में स्लेट दे रखी है कि अगर आप ऐसा कुछ फील करते हैं तो नीचे एक वेबसाइट भी दे रखी है, अच्छा जाके वहाँ पे वो, हाँ ये तो अच्छा, दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, तो ये तो उन्हें फिर हर चीज पे करना चाहिए ना, हाँ करना था हर चीज पे चाहिए, मान लो बंदीबाजी का कुछ शो डालें तो नीचे उसमें डाल देगी, अगर आपको भी चाहिए तो इस साइड पे जाएं, तो इस पे आ जाएं, इस साइड पे जाएं, ये आपको लव स्टोरी देखकर आपको अपनी वाली की याद आई है, तो जरा ये रहा उसका नंबर, ये रहा उसका नंबर, ये फिर सबकी हेल्प करो ना फिर। हाँ अब बात करते हैं दोस्तों स्टूपिडिटी ऑफ द वीक की, जो कि इस हफ्ते हो चुकी है,
क्यूटीपीडीटी कुछ बहुत ऐसे मतलब ये भी अब इसको हम यही रखा करेंगे क्योंकि मोस्टली कई बार होता है कि क्यूटी लगती है क्यूट भी हो जाती है हां तो वो क्यूटीपीडीटी हो जाएगी हफ्ते की। और वो है कि एक विकास नाम का बंदा है वेस्ट दिल्ली का जिसने अपना नाम बदल के जेम्स बॉन्ड रख लिया है। सही सही है यार सही मतलब ये तो हर कोई यारी दोस्ती में या आवाज में तो बोलता ही था बॉन्ड लेकिन ठीक है मैं सोच समझ के रख रहा हूँ और अगर लोग हंस रहे हैं मेरी एक हरकत से तो क्या है तो मतलब भाई का दिल भी बड़ा है अच्छी बात है। और विकास का नाम दोस्तों बदल जाने की भी जरूरत है क्योंकि इस नाम से तो हो नहीं रहा है आई थिंक वो दिक्कत नाम में ही आ रही है नाम बदल के शायद फिर हो जाए और उसको झेलना भी तो कितना पड़ता होगा। हाँ 2014 से उसका मजाक बनता आ रहा होगा तब से मजाक बनता आ रहा है। अरे विकास तुम यहाँ हो तुम यहाँ तुम्हें वहाँ ढूंढ रहे थे हाँ, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है जो हो रहा है। अब सोच विकास बंदी बंदी नहीं कर पा रहा बिकॉज विकास कांट डू इट उससे तो हो नहीं पा रहा है विकास से तो विकास की कितनी स्ट्रगल चल रही है। कमेंट ऑफ द वीक में दोस्तों इस बार फिर से हमें नासिर फेमस को जो हमारे अंदर का बेजान दारू वाला है उसको मोहर लग गई हमारी बात पे बहुत दिनों पहले ऐसे ही कैजुअली हमने कह दिया था और देखिए यही हुआ मतलब अगर उनको सही समय पर सही जगह भेज दिया जाता कॉलेज की पढ़ाइयों पे ट्यूशन उनके चार लगवा दिए जाते चार लगवा दिए होते चार ये अपने पेपराजी उनके ट्यूशनों में नजर रखते तो ऐसी हाँ। जगह थोड़ी जाते और सोचना इतना काम मिला होता वो तो अपने होमवर्क कर रहे होते वो न्यूज़ ही अपने आप में इतनी पॉजिटिव हो जाती है कि सारा अली खान स्पॉटेड आउटसाइड इंग्लिश कोचिंग सेंटर हाँ। कितना देश का युवा अंग्रेजी सीखने के लिए आतुर हो जाएगा और अगर और वो करना है मतलब मैं एकदम पीपल प्लीजिंग बात कर दूं इब्राहिम खान स्पॉटेड आउटसाइड संस्कृत महाविद्यालय कोई तो सारी तो गलती माफ उसके बाप की जहांगीर तैमूर जो नाम रखे भाई सिखा तो संस्कृति रहा एंड में अपने बच्चे को तो कोई गलती नहीं समझदार है वो समझदार है हमारे यहाँ तो लड़के लड़के कैसे चली जाती है लड़के ऐसे फोल्डर वो लगाती है एक रजिस्टर यहाँ पे और चली जाती है बैग बैग तो बहुत बाद में है अब आया लौंडे अपना कॉपी घुमा के पीछे वो एक डाल के अपने गुड्डू भैया की तरह चल के जा रहे हो दिक्कत हमें भी तो पता चले ट्यूशन लुक क्या हो सकता है लुक की वजह से हमारे मार्क्स कमा रहे हो। अब जब वो हमें बताएंगे कि इब्राहिम खान गए भाई कैची चलाते हुए साइकिल 7 साल के इब्राहिम खान कैची साइकिल चलाते हुए इंग्लिश ट्यूशन जा रहे हैं वो लुक फिर पब्लिक कॉपी करेगी। ध्यान रखो अपना और बहुत भारी सेल चल रही है मेंस एक्सपी शॉप पे मेंस एक्सपी न्यूड शॉपिंग फेस्टिवल चल रहा है दोस्तों ये बिल्कुल एकदम एड वाली बातचीत की भाई ने और ये 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इस काम के एक्स्ट्रा मिल रहे चल आधा लीटर पेट्रोल पियो नहीं 400 ग्राम तो वो चल रहा है फेस्टिवल मेंस एक्सपी शॉप पे आप जाएं 80% तक की छूट पाएं फुल एंजॉय करें। विल सी यू नेक्स्ट वीक गुड नाइट टेक केयर शबा खैर।